सवाई माधोपुर में दिन दहाड़े युवक दिलशाद पर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को कोटा शहर पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने जितेंद्र के साथ उसके तीन साथियों लक्ष्मण उर्फ बंटी, वीरेंद्र और संजय को भी गिरफ्तार किया है और इनके पास से एकाई 20 कार के एक अवैध पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, धारदार खंजर, चाकू और तलवार जब्त किए हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि जितेंद्र उर्फ जीतू सवाई माधोपुर के मानटाउन थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ डकैती, चोरी, राजकार्य में बाधा सहित कई धाराओं में कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ये शिवसेना हिंदुस्तान का राष्ट्रीय महासचिव भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी लक्ष्मण के खिलाफ भी दो मुकदमे पहले से ही दर्ज है। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी गंगासाय शर्मा के नेतृत्व में बड़गांव में नाकाबंदी के दौरान इनकी चारों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कांस्टेबल रामलाल का अहम रोल रहा है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में बड़गांव तिराहे के पास में कुछ लोग हैं जो हथियार के साथ यहाँ आए हुए हैं। संभवतः वो सवाई माधोपुर में कोई वारदात करके आए हैं। तो इस सूचना पर थाना अधिकारी अपनी टीम के साथ गए और उन्होंने वहाँ उन लोगों को, जो एक I-20 गाड़ी में थे, उनको रोक करके चेक किया तो उनके पास अवैध फायर आर्म भी थे और जो धारदार हथियार भी थे। पूछने पर पता चला कि उनमें से कुछ लोग सवाई माधोपुर में वारदात करके किसी व्यक्ति को दिन दहाड़े फायर करके वो यहाँ आए हैं। अवैध रूप से उनके पास हथियार पाए जाने के कारण उनको गिरफ्तार करके आर्म्स एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई करी और पता ये चला कि ये जो चार व्यक्ति थे उनमें से एक जीतू उर्फ जितेंद्र, इसके खिलाफ ये हिस्ट्री सीटर है मानटाउन थाना सवाई माधोपुर का, और इसके खिलाफ डकैती, चोरी, राजकार्य में बाधा, जानलेवा हमला करना, आर्म्स एक्ट और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक उन्माद फैलाने और मारपीट संबंधी 19 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। मानटाउन थाने का ये हिस्ट्री सीटर है और इसी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर के कोई फाइनेंस की गाड़ी को उठाने की बात को लेकर के और कोई थड़ियों के पुराने विवाद को लेकर के वहाँ दिन में 9:30 बजे कोई दिलशाद नामक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग करके और उसको घायल कर दिया, जो घायल होकर के अभी SMS हॉस्पिटल में भर्ती है।